इनको इतनी वसात दी जाए कि जो जो खिदमत बिहार वालों को मिली है वो पूरे भारत हमारी ये दरखास्त है आपकी बारगाह से कि आपकी तवज्जो हो जाए, आपकी तवज्जो से जो सूबे बिहार का 18 साल वजीर आला रह सकता है वो आपकी तवज्जो से भारत का वजीर आजम भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद लगातार देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए उन्हें सफलता भी मिल रही है। नीतीश कुमार ने कई बार अपने बयान में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे सभी को एकजुट करके बीजेपी को परास्त करना है, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। दरअसल बीती रात सीएम नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ स्थित हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर पोशी की और राज्य में अमन चैन और तरक्की की दुआ मांगी। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। दोनों ने दरगाह पर चादर पोशी की। इसके बाद नीतीश कुमार और विजय चौधरी ने दुआ मांगी। पास में खड़े मौलवी ने दुआ में कहा, जो खिदमत बिहार वासी को मिली है वो पूरे भारत को मिले, आपकी तवज्जो से जो सूबे का 18 साल से वजीर आला रह सकता है वो आपकी तवज्जो से भारत का वजीर आजम बन जाए। इनकी खिदमत को कबूल फरमाते हुए इनका जो दायरा है हल्का है, ये जिस हल्के में काम करते हैं आपकी बारगाह में ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनका हल्का और बड़ा देखना चाहते हैं। जिस तरह से सूबे बिहार के लिए है वो पूरे भारत आपकी तवज्जो से जो सूबे बिहार का इनको इतनी वसात दी जाए कि जो जो खिदमत बिहार वालों को मिली है वो पूरे भारत हमारी ये दरखास्त है आपकी बारगाह से कि आपकी तवज्जो हो जाए, आपकी तवज्जो से जो सूबे बिहार का 18 साल वजीर आला रह सकता है वो आपकी तवज्जो से भारत का वजीर आजम भी। हालांकि मुख्यमंत्री ने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री को खासकर बुलाने वाले फुलवारी शरीफ के नगर परिषद अध्यक्ष आफताब आलम ने कहा कि उर्स मुबारक के मौके पर यहां हर साल मेला लगता है, चादर पोशी होती है, हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पहुंचते हैं। आफताब आलम ने कहा कि बिहार में अमन चैन हो सके इसके लिए दुआ पढ़ी गई। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दुआ पढ़ी गई कि वो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। सबने दुआ पढ़ने के बाद आमीन कहा। आपको बता दें कि आफताब आलम जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करते रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, सत्रहवां साल है कि मैं इनकी वकालत हूं और इस सत्रहवीं साल में भी इनकी वकालत के लिए आपकी बारगाह में हमारा आना हुआ। अपनी श्रद्धा और अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत के जो फूल लेके मिलती है जिससे हम सबका गुजारा होता है, जिस पे आपकी निगाह हो जाती है उसकी उसी को 17-18 साल से कोई मिला नहीं पाया। हम ये फरियाद उनकी तरफ से पेश करते हैं इस खुशी के पाए और भी पूरे बिहार के दिल के खिदमात थे वो भी काफी फिक्र है, ये भी आपके आसान है आप पे बयान करने के लायक थे। बिलखसूस जितनी इनकी निगाह रही है और जिस बदल इन्होंने इनकी खिदमत को कबूल फरमाते हुए इनका जो दायरा है हल्का है, ये जिस हल्के में काम करते हैं आपकी बारगाह में ये दरख्वास्त करना चाहते हैं इनका हल्का और बड़ा देखना चाहता हूँ। जिस तरह से सूबे बिहार के लिए है वो पूरे भारत आपकी तवज्जो हो जाए, आपकी तवज्जो से जो सूबे बिहार का इनको इतनी वसात दी जाए कि जो जो खिदमत बिहार वालों को मिली है वो पूरे भारत हमारी ये दरखास्त है आपकी बारगाह से कि आपकी तवज्जो हो जाए, आपकी तवज्जो से जो सूबे बिहार का 18 साल वजीर आला रह सकता है वो आपकी तवज्जो से भारत का वजीर